दुनिया तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए इंडिया ऑफिस साइबर हब बन रहा है। तेज रफ्तार दुनिया के साथ चलने के लिए जरूरी है कि बच्चों को भी डिजिटल साक्षरता की ओर प्रोत्साहित किया जाए। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ का सूरजपुर बच्चों को डिजिटल साक्षरता से जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री के डिजिटल साक्षरता अभियान से प्रेरणा लेते हुए सूरजपुर जिले में सक्षम सूरजपुर अभियान के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाके में 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त डिजिटल साक्षरता प्रदान की जा रही है। ये पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा शुरू की गई है। इस पर अधिक जानकारी सूरजपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने दी। इस कार्यक्रम में इंडस टावर जो कंपनी है उन्होंने CSR के माध्यम से हमको एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन दी है, जो एक मोबाइल कंप्यूटर लैब भी है जिसमें एयर कंडीशन लैब के अंदर 20 कंप्यूटर होते हैं। ये जो मोबाइल लैब है ये हमारी गांव-गांव में जाती है और वहां के जो युवा हैं उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देती है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको बताती है और जन जन को जागरूक करती है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन है इसमें जाने के पहले मोबिलाइजेशन का काम होता है। हर ग्राम पंचायत में 20-20 युवाओं को, बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये इसका एक पूरा रोस्टर बना हुआ है। जिले के जो 6 विकास खंड है, हर विकास खंड में 1 महीने के लिए ये बस वहां पर रहती है और वहां के 4 से 5 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन 1 घंटा जो पहले से निर्धारित है उस समय जाती है वहां पर, और वहां के जो 20 आइडेंटिफाइड बच्चे होते हैं उनको 1 महीने तक इसमें निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद उनको एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। सक्षम सूरजपुर के अंतर्गत चलने वाली डिजिटल बस मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं एवं अन्य आयु वर्ग के लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर से संबंधित तकनीकी ज्ञान से अवगत कराकर उन्हें साक्षर बनाती है। हमारी टीम के द्वारा बच्चों को डिजिटल शिक्षा के बारे में पूरा 1 महीने का कोर्स करवाया गया है, जिससे कि उन बच्चों को एक नया जागरूकता मिला, उनको सीखने का बहुत कुछ मौका मिला और बच्चे ने इस प्रकार का बस अभी तक नहीं देखा हुआ था, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला बस है जो पूरा टेक्नोलॉजी है इसमें और सारी चीज़ें हैं। और बच्चा 1 महीने का जब कोर्स कम्प्लीट करता है तो उसको एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है ताकि वो उसको भविष्य में कहीं ना कहीं काम आता रहे। इसी के साथ ही जब हमारा बस फील्ड में चलता है तो हमारे पास बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं, या सोलर प्लेट से भी चलता है, हमारा बैटरी से भी चलता है, जनरेटर की भी इसमें व्यवस्था है, डायरेक्टली पावर से भी चलता है। इन सारी चीज़ों से चलने में क्या रहता है कि हमें फील्ड में काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आती है। और इसी के साथ में क्या रहता है कि बस में पूरा टेक्नोलॉजी है, जिससे कि बच्चे का पढ़ने में रुचि रहता है और बस पूरा गांव मोहल्ले तक हम बोल सकते हैं कि एक तरह से आंगन में पढ़ाई हो रहा है। डिजिटल वैन के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाया जा रहा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, MS वर्ड, जीमेल अकाउंट बनाना जैसी चीजें शामिल हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना है, साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से MS वर्ड सीखे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीखे हैं, जीमेल अकाउंट बनाना सीखे हैं, इससे डाटा सेविंग करना सीख गए हैं और जीमेल से किसी को कैसे पहुंचाना है, कोई SMS, ये सब सीख चुके हैं। इससे हमने बहुत कुछ जानकारी भी सीखी, मिली हम लोगों और कैसे कंप्यूटर बंद देखा चला ही नहीं थे हम लोग, बस इस बार चलाया तो अच्छा लगा, कैसे चालू करना, कैसे बंद करना, इसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे कर, कैसे बचा, और जीमेल आईडी खोलने के लिए भी सीखे हम लोग, फोन से तो बनता नहीं था खोलते, तो सर से हम लोग सीख गए। हम लोग जो सीख पाए ना, वैसे चाहती हूँ कि हमारे गाँव के भी सभी लोग सीखे, इसकी सुविधा लें, इसका प्राप्त कर जानकारियाँ मिले, कैसे कैसे हम लोग उनको भी जानकारी मिले। मैं टीचर बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे गाँव के लोगों को भी इसकी सुविधा मिले और मेरे गांव के लोग शिक्षित हों और मेरे गांव के आसपास के लोग भी शिक्षित हों।